चलिए इसी बीच आपको सीधा हरदोई लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे और जनसभा को संबोधित उनके द्वारा किया जा रहा है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद, अरे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और ये उत्साह और जोश बता रहा है कि इस बार गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और जब से समाजवादी पार्टी के साथ साइकिल के साथ छड़ी आ गई है तो उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। बताओ, साइकिल के संग छड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? इधर जो चुनाव हुए हैं पहले, दूसरे और तीसरे चरण के, लगातार जनता समर्थन दे रही है और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता आपस में मुकाबला कर रही है। और जनता ये मुकाबला कर रही है कि किस चरण में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटों से हराएं। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे के चरण के लोगों ने उनसे ज्यादा वोट डाला, तीसरे चरण में भी उसी तरीके से जनता ने वोट डाल करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में पहली बार यह महसूस हो रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता मुकाबला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाबले में, किस चरण में ज्यादा हराया जाए। ये लोग जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ मुझे ओमकार राजभर जी ने याद दिला दी गर्मी वाली बात। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव पांचवें, छठे, सातवें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, बोल्ट का करंट। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिनके जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। और आपने नेताओं के भाषण सुने होंगे बीजेपी के, ये जो बीजेपी के नेता जो हैं, इनके भाषण सुने होंगे आपने। इनका जो छोटा नेता है, जो इनका छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इनके जो छोटे नेता घूम रहे हैं
वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे हरदोई के लोगों, संडीला के हमारे आसपास के किसान भाइयों, आप में से किसकी किसानों की आय दोगुनी हो गई? यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि 22 तक, जब 2022 आएगा तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये किसान भाई भी हैं, किसान भाइयों के बेटे भी हैं, बताओ कितनियों की आय दोगुनी हो गई? और जब आप खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद आपको मिल गई कि नहीं मिल गई? और डीएपी लेने गए तो क्या मिल गई आपको डीएपी? और जब बोरी देखी होगी तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। इधर बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदल रहे थे, बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे, जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया, और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। बताओ महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? ये जो डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई बताइए? पेट्रोल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया 100 के पार? ये लोग अगर सरकार में आ गए तो हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए बिके। ये बीजेपी वाले पहले डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार। आपने देखा होगा जब प्रचार शुरू हुआ चुनाव का तो ये लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे थूक पर्चे पे लगा करके बांट रहे थे, लेकिन जब जनता की नाराजगी देखी इन्होंने तो अब दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और जब से जनता ने लाल सिलेंडर इन्हें दिखा दिए हैं तब से ये घरों में नहीं आ रहे हैं। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव ऐसा है जो न केवल उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलेगा बल्कि हमारे किसानों का, नौजवानों का भी भाग्य बदलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने लगातार झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है, और समाजवादियों ने हमेशा जनता के लिए काम कर करके दिखाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी हमारे किसानों की और हमारे आम लोगों की। तो हरदोई से अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अपने संबोधन में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला पर नजर आया, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जब हरदोई की जनता वोट करेगी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, और साथ ही साथ किसानों से लेकर महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी सरकार को एक बार फिर से घेरा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।